हेलो गाइस, माइक टेस्टिंग 3 2 1। नमस्कार दोस्तों। गाइस, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और अगर आप ऑडियो सिंकिंग करना चाहते हो गाइस, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और अगर आप ऑडियो सिंकिंग करना चाहते हो देन आप इजी तरीके से कर सकते हो। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत रियली आसान है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको पूरा करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे तभी आप जितना भी मैं स्टेप फॉलो किया इस वीडियो में वो आप तक पहुँच पाएंगे और देन आप इन स्टेप को आप भी फॉलो करके और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप अपने वीडियोस पर अपने वीडियो को देन इन स्टेप्स को फॉलो करके और आप अपने वीडियो पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो और वीडियो बना सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले अपन लोग बात करेगा कि जो होता है ऑडियो सिंकिंग वो क्या होता है, वो चीज़ पहले हम समझेंगे। तो ऑडियो सिंकिंग मतलब क्या होता है गाइस? ऑडियो सिंकिंग मतलब कि अगर आपका वीडियो शूट जिससे आप फोन से कर रहे हो, जो भी कैमरा से कर रहे हो, वो कैमरा अगर दूर है फिर भी आपके पास और एक एंड्रॉयड फ़ोन अगर है तो उसको आप अपने नज़दीक रखकर या फिर उससे माइक कनेक्ट कर उसकी जो साउंड है वो रिकॉर्ड कर सकते हो एंड देन एडिट करके ऑडियो को सिंक कर सकते हो। ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा जिससे मैंने थ्योरेटिकल बताया, तो अब मैं इसको आप प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये ऑडियो सिंकिंग की हुई ही है, क्योंकि मैं अगर ऑडियो अभी हटा तो देखो आवाज़ कैसे आपको नॉइज आ रहा होगा, बट अगर फिर मैं अभी ऑडियो को मिला दूँ तो आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो गाइस, सबसे अब हम बात करेंगे कि मटेरियल्स कौन कौन सी आपको यूज़ में आने वाली है। तो सिंपली यहाँ पर अगर आपके पास अगर तीन मटेरियल हो गए तो बहुत ईजी से यह काम हो जाएगा। पहला तो एक जेनेरिक माइक, जो कि आप यहाँ पर मैं देख रहे हो, आप मैंने यहाँ पर यूज़ कर रखा है, और दो एंड्रॉयड फ़ोन तो भाई बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास यह जेनेरिक माइक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपके पास जेनेरिक माइक नहीं है तो भी कोई बट बात नहीं, दैट डजेंट मैटर, बट लेकिन फिर भी आपके पास दो एंड्रॉयड फ़ोन होनी ज़रूरी है। अब दो एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूरी क्यों है? तो पहला एंड्रॉयड फ़ोन गाइस जिससे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, पहला एंड्रॉयड फ़ोन से जिससे आप लोग वीडियो शूट करोगे, और दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन जहाँ जो मेरा बगल में रखा हुआ है जिससे आप ऑडियो शूट करोगे। तो अब आपको वीडियो और ऑडियो को शूट कर लेना है। अब आपको दोनों मोबाइल बगल में रख देने हैं, लाइक मेरा एक फ़ोन इस साइड है और एक फ़ोन मेरा आगे में है जिससे वीडियो शूट हो रहा है। तो अब मैं दोनों इसकी साउंड रिकॉर्डिंग को मैंने ऑन कर दिया और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को मैंने ऑन कर दिया। अब इन दोनों को मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाकर करने वाला हूँ सिंक। अब मेन प्रॉब्लम यहीं पर लोगों को आती है, सिंक नहीं होती, अच्छे से एडिट नहीं होती है, कट वट अच्छे से नहीं लग पाती है। तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करूँगा, ठीक है? आपको कहीं नहीं जाना है भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी तक अगर बैठे हुए हो, खाली सोच रहे हो, बस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो, और पहली बार विजिट किया हो तो भाई पर अपना प्यार बरसा दो। तो चलिए, अब आपको आप बोलोगे यार एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपको मोबाइल एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है जिसको हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं, तो वो एप्लीकेशन है काइनमास्टर। जी हाँ गाइस, हम काइनमास्टर में इसे यूज़ करेंगे। काइनमास्टर में हम ये एडिट करने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से। तो गाइस, आपको काइनमास्टर खोल लेना है। गाइस, आपको काइनमास्टर आप जैसे ही ओपन करोगे देन आपको काइनमास्टर खोलने से पहले आपको और एक काम करनी है। जो आपका दूसरा डिवाइस है जिसमें आपने ऑडियो रिकॉर्ड किया, अगर आप जिसमें वीडियो शूट किए हो उसमें अगर आपको एडिट करनी है, तो दूसरा डिवाइस जिसमें आप ऑडियो रिकॉर्ड किए हो उस ऑडियो को आप पहले एक्सपोर्ट कर लो आप उस मोबाइल पर, उस एंड्रॉयड डिवाइस पर जहाँ पर जो मेन डिवाइस आपका जिस पर आप एडिट करना चाहते हो। एंड देन गाइस, आपको क्या करना है, ओपन करना है, और ओपन करने के बाद मीडिया पर जाना है, और मीडिया पर जाने के बाद गाइस आपको जो वीडियो है आपको वो पहले ले लेनी है, इंपोर्ट कर लेनी है, एंड देन जो ऑडियो आपने रिकॉर्ड की थी उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो अब मैं चलूँगा मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ से आपको अब ब्रीफली थोड़ा समझाऊँगा। तो गाइस, सिंपली आपको काइनमास्टर ओपन करना है, और गाइस जैसे ही आप काइनमास्टर ओपन करोगे देन आपको जो भी करना है वो यहाँ से इंपोर्ट कर लेना मीडिया पर जाकर। आपको ओपन कैमरा का जो भी ये था शूट था, ये मैंने यहाँ पर फुटेज जो यहाँ पर मैंने ले लिया, एंड देन आपको ऑडियो पर जाना है, और ऑडियो पर जाने के बाद गाइस आपको जहाँ से भी आपने ऑडियो जो ली थी उस ऑडियो को यहाँ पर सेट कर देना है। मैं यहाँ पर वो ऑडियो खोजता हूँ, एक सेकेंड गाइस। तो वो ऑडियो मुझे मिल चुकी है यहाँ पर, जो कि ये है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, एंड देन इसको जब मैं ऐसे चलाऊंगा तो यहाँ पर आपको अब क्या ध्यान देना है। तो देखिए, ध्यान कुछ ये देना है कि जैसे ही आपकी जो ये रो ये स्टार्ट होगी, लाइक यहाँ से आप पूरा स्टार्ट हो गया, ठीक है?
तो जैसे ही स्टार्ट होगा उसके बाद आपको ये कट यहाँ से लगाना है, एंड देन आपको सबसे पहले शुरू में जो शुरुआत से लेनी है एंड देन कट इधर लगाना है, और देन उसके बाद इस तरीके से आपको कर लेनी है। अब जैसे ही अभी स्टार्ट होगा, अब यहाँ पर आपको जो भी कट पेस्ट करना है वो अभी मत करो, अभी जैसे ही आप यहाँ पर सब क्लियर कर लोगे एंड देन आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है, क्योंकि ऐसे आसान होगा। जब आप पूरा एक बार चेक कर लेना कि सिंक हुई या फिर नहीं, एंड देन पूरा सिंक जब हो जाएगा आपका तो अच्छे से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, एंड देन एक्सपोर्ट करने के बाद आपको फिर जो भी एडिटिंग करनी है वो कर लेना, इससे आसानी होगा। पहले आप ऑडियो सिंक कर लो, उसके बाद जो पहले जिस तरीके की आपकी एडिटिंग करती थी वही आप एडिटिंग कर लो बस। सो गाइस, यही कुछ था इस वीडियो में। अगर अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर देना है, और एक बार चेकआउट कर लेना कि अगर आप न्यू विजिटर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।